नमस्कार, मैं डॉक्टर शीलू गोयल। मैं एक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूं और मैं पिछले 5 साल से हेरिटेज हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। प्रेगनेंसी में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि एक लेडी को क्या 2 के बराबर खाना खाना चाहिए। बट सॉरी, मैं इसके लिए मना करूँगी। प्रेगनेंसी में अगर लेडीज़ ओवरवेट करेंगी तो जिससे मैटरनल वेट गेन ज़्यादा होगा और इन फ्यूचर चाइल्ड ओबेसिटी होने का डर रहेगा। पहले के तो 6 महीने में औरत एक बच्चे को वही कैलरी की ज़रूरत होती है जो एक मदर के लिए एक नॉर्मल कैलरी होती है, तो मदर को पहले 6 मंथ में कोई एक्स्ट्रा कैलरी लेने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लास्ट के 3 महीने में मदर जो भी कैलरी ले रही है उससे उसको 200 एक्स्ट्रा कैलरी लेने की ज़रूरत होती है बेबी के अच्छे ग्रोथ के लिए। अदरवाइज प्रेगनेंसी में मदर को बहुत ज़्यादा ईटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एक सवाल बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है कि क्या प्रेग्नेंट लेडी को कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। पहले कहा जाता था कि कॉफ़ी पीना प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ नहीं है, लेकिन आज हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी 200 मिलीग्राम तक कैफ़ीन सेफली ले सकती हैं। हाँ, अगर वो कैफ़ीन की मात्रा 200 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो फिर इससे अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं, वो प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है तो बच्चे में जाने से बच्चे में और भी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। इसीलिए कॉफ़ी पीते समय बस यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें 200 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन ना करें। कॉफ़ी की मात्रा सोडा में, चॉकलेट्स में भी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए हमें इनको भी लेने में थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। एक सवाल बड़ा कॉमन होता है कि प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी आने के पहले एक्सरसाइज कर रही है तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी उसको वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ, कुछ नई एक्सरसाइज या कुछ ऐसी एक्सर्शन वाली एक्सरसाइज जैसे कि ब्रीदिंग को होल्ड करना, जंप करना, बहुत स्ट्रेचिंग करना, इस तरह की एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से बेबी का हेल्थ अच्छा रहता है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मानसिक हेल्थ भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं तो यही सलाह देना चाहूँगी कि हर प्रेग्नेंट लेडीज़ को 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 5 डेज इन अ वीक जरूर कंटिन्यू करनी चाहिए फॉर हर गुड हेल्थ और फॉर द गुड हेल्थ ऑफ हर बेबी। एक सवाल मरीजों के द्वारा बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि मैडम कौन सी क्रीम है या सिरम है जिसे हम अपने स्ट्रेच मार्क को कम कर सकते हैं। एक्चुअली कोई भी ऐसी क्रीम या सिरम नहीं है जो हमारे स्ट्रेच मार्क्स को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। हाँ, बस मैं एक सलाह देना चाहूँगी कि हमारी स्किन जितनी अच्छी मॉइस्चराइज रहती है वो उतनी ही अच्छी स्क्रैच मार्क को अडॉप्ट की रहती है। इसीलिए मैं यही चीज़ कहूँगी कि कोई भी अच्छी क्रीम जो टॉक्सिन फ्री हो, केमिकल फ्री हो, वो लेडी एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे थ्रू आउट प्रेगनेंसी अप्लाई कर सकती है, जिससे कि उसकी स्किन पूरी टाइम सॉफ्ट बनी रहे। इसके लिए वो सिंपल सिया बटर या कोका बटर, इसी टाइप की सिमिलर क्रीम्स यूज़ कर सकती है। आजकल एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या एक प्रेग्नेंट लेडी 1 या 2 ग्लास वाइन आराम से ले सकती है। बट ना, इसके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हर औरत का शरीर अलग होता है, उसके बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम अलग होता है, किसकी बॉडी में वो अल्कोहल कैसे इफ़ेक्ट करेगा कोई नहीं जानता। और जनरली अभी तक कोई रिकमेंडेशन भी नहीं बना है कि हम कितना अल्कोहल लें तो वो हमारे लिए सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। इसलिए मैं तो यही सलाह दूंगी कि प्रेगनेंसी में जहाँ तक हो हमें अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये फीटस पे बैड इफ़ेक्ट डाल सकता है। और इसके साथ साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज़ हैं उन्हें भी अल्कोहल से बचना चाहिए, क्योंकि ये माँ के दूध में आता है और बच्चे पे इफ़ेक्ट डाल सकता है।